सो अभी चलते हैं थोड़ा भागने के लिए, उससे पहले आएगा हमारा इंट्रो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय बीबीआर चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। सो लेट्स गो। Guys, good morning from UP. Right now is 5:55 in the morning. यही टाइम अगर अभी तक मुंबई में होता तो अंधेरा होता, हम लोग सोए पड़े होते हैं। वैसे बहुत दिनों से घर पे लॉकडाउन में यह हालत हुई पड़ी है, खा खा के घर में पड़े। हमारी जिंदगी बिग बॉस जैसी हो गई है। सुबह उठ रहे खा रहे, दोपहर को उठ रहे खा रहे, रात को उठ रहे खा रहे, झगड़ा कर रहे फिर सो जा रहे। उसी टाइम पे मैंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, घर पे खा खा के पेट निकल रहा है, अच्छा मॉर्निंग में कुछ जॉगिंग करते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि लॉकडाउन में बाहर घूम रहा है, ऐसा नहीं है। इसका टाइमिंग है, आप मॉर्निंग में 8 बजे तक अपने सारे काम कर सकते हो, उसके बाद जब पुलिस बैठ जाती है उसके बाद आप लोग लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल सकते। सो अभी 5:55 हो रहा है, 2 घंटे में जॉगिंग करता हूँ रोज मॉर्निंग में, तो 2 घंटे करने के बाद 8 बजे से पहले घर पर पहुँच जाता हूँ कि पुलिस कुछ बोले ना। सो इसीलिए अभी जॉगिंग करूँगा फिर घर पर जाएंगे। सो लेट्स गो, भागना स्टार्ट करते हैं। जिम छोड़ के 3 साल हो गया, पहले ऐसा स्टैमिना नहीं रहेगा, बट ठीक है, बहुत जल्दी है स्टैमिना रिकवर कर लूँगा। अब थोड़ा सा भागने में, एक पूरे ग्राउंड का राउंड लेने में एकदम सांस ऊपर नीचे होने लगती है, क्योंकि हम लोग अभी खाते हैं सोते हैं, वर्कआउट तो करते नहीं है, एक्सरसाइज करते नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम है। इसीलिए सबको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि अब एक्सरसाइज करोगे तो फिट रहोगे, ऐसे पेट वेट नहीं आएंगे आप लोग के। सो लेट्स गो, पुशअप्स मारते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। सांस ऊपर नीचे होने लगती है साला। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो पुलिस भी डंडा भी मारेगी। सो आज का बस वर्कआउट इतना ही है, भाग लिया, पुशअप्स मार लिया। सो अभी मुंह पे मास्क बांध लेते हैं, या तो डंडे खाने पड़ेंगे इसके लिए। सो कुछ लोग हैं हमारे फ्रेंड, हमारे फैमिली मेंबर, जो कि अभी हमको लेके जा रहे हैं टंकी के ऊपर, जो कि मैं आज तक कभी नहीं गया। तो चलो चलते हैं, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होगा। आप लोगों को ऊपर से व्यू दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है पूरा नीचे से। सो और थोड़ा ऊपर जाने दो, डर लग रहा है, काफी ऊपर पहुंच रहे हैं हम लोग, ऊपर से ऊपर ना पहुंच जाए। ये देखो गाइस, मधुमक्खी का छत्ता है ये, कितनी सारी मधुमक्खी बैठी है, इसको काटेंगे। सो इसको काटेंगे तो बहुत शायद निकलेगा। अबे ऊपर चढ़ना है क्या पूरा? हाँ। सीढ़ी देख के चढ़ता हूँ, फिर आप लोग को मैं बात करता हूँ। चप्पल निकाल, निकाल दूँ? नहीं 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 ठीक है, ठीक है, पहन के चढ़ गया तो चढ़ गया। Oh my God, guys, really, it's amazing. Seriously, it's amazing. Superb, यार। लेकिन इतनी भी गारंटी कि इसके नीचे गिरा तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। सो ये देखो गाइस, हम लोग अभी तक वहाँ पे भाग रहे थे। ये जो आप लोग दिख रहा है, यहाँ से खेतों में अगर खेती होती तो यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है। ये देखो गाइस पूरा व्यू। सीरियसली गाइस, कैसा लग रहा है आप लोग को प्लीज़ कमेंट करके बताओ। बहुत रिस्क लेके मैं इतने ऊपर तक आया हूँ, लेकिन रियली बहुत ऑसम व्यू लग रहा है, बहुत ऑसम। आप लोग थोड़ा व्यू एंजॉय कीजिए। तो टॉयलेट पिक्चर किसने किसने देखा था? टॉयलेट पिक्चर में जो बनाता है कि उनके घर में बाथरूम नहीं होता, लोग खेतों में जाते हैं। सो उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अलाउ किया था कि सबको एक एक बाथरूम बना के दिया जाएगा। खेत में मोस्टली लोग के बाथरूम बना था। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो नीचे, ये बाथरूम बना हुआ है। तो अभी
आप देखोगे गांव गांव साइड पे भी, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि अभी कोई खेतों में नहीं जाता, बिकॉज सबको बाथरूम बना के दे दिया, तो सबका पर्सनल बाथरूम होता है, जो कि मुझे यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ा है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। बहुत रिस्क लेके मैं इतने ऊपर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, बट नए नए एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए, डर के आगे जीत है। सो लेट्स गो, चलते हैं, थोड़ा संभल के उतरना पड़ेगा बिकॉज सीढ़ी बहुत रिस्की है। ओह माय गॉड, सो फाइनली हम लोग नीचे उतर गए इतने रिस्क के बाद। बहुत रिस्की है, ऐसी जगह पे आप लोग ट्राई मत करो, बिकॉज मैं तो सेफ्टी लेके गया था किसी के साथ में, जिसको पता था उनके साथ गया था। अगर आप लोग को पता नहीं है तो प्लीज़ आप लोग मत जाओ, बिकॉज बहुत रिस्की होता, मेरी खुद की फट रही थी ऊपर। तो लेट्स गो, अब चलते हैं घर पे, बहुत टाइम हो गया है। सो अंधेरे में सही से व्लॉग करने नहीं मिल पाता, सो फाइनली वापस आ गए हम टेरिस पे, बिकॉज अभी यहाँ पे लाइट अच्छी है, नीचे लाइट बराबर नहीं, और प्लस अभी वायरिंग का काम चालू है, सो अभी काफ़ी आवाज़ें आएंगी ड्रिल विल की, इसलिए नीचे व्लॉग बनाना ठीक नहीं लगता अभी। जब तक ये पूरा वायरिंग का काम खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग नीचे भी व्लॉग करेंगे। सो अभी फिलहाल तो टेरिस, बिकॉज यहीं पे अच्छे से नेटवर्क भी मिलता है। सो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बॉम्बे बॉय रुपेश। एज आई से, डोंट जस्ट ड्रीम, प्लान योर ड्रीम, वर्क मोर एंड मोर हार्ड, रिजल्ट आज नहीं तो कल आप लोग को मिलेगा जरूर। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू माई गुड फ्रेंड्स, एंड स्टे होम स्टे सेफ। बाय, हम भी चलते हैं, धूप ऊपर बढ़ने लगी है। बाय। You could be the muse to my passion. We can make love like a night of God. I just match my words to my eyes.